370 की बात हुई, 35A की बात हुई, बट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो जम्मू कश्मीर का है, और मैं लोगों से पूछता हूँ 370 से आपको क्या लड़ाई है या 35A से क्या लड़ाई है, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा लोगों के दिमाग में आता है, जो जानकार लोग हैं उनको सब जानते हैं, बेहतर चीजें बोलते हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी होता है, हम जम्मू कश्मीर जाके रह नहीं सकते, वहां की जमीन नहीं खरीद सकते, हम वहां पे घर नहीं खरीद सकते। तो हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रोविजन है कि एक शेष भारत का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकता, ये स्टेट सब्जेक्ट के कारण है। तो यही स्टेट सब्जेक्ट रूल आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में, सो कॉल्ड आजाद जम्मू कश्मीर में भी लागू है। वहां पे भी पाकिस्तानी आदमी जाके जमान नहीं खरीद सकता, वहां का नागरिक नहीं बन सकता। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने 1974 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दिया। दुर्भाग्य ये कि हमने हल्ला नहीं मचाया, हमें हल्ला मचाना चाहिए था, क्योंकि हमारी टेरिटरी, हमारा इलाका है, और उसके कारण क्या है कि यहाँ की डेमोग्राफी बदलने लगी। जब आप जमीन खरीद सकते हैं तो वहां से पठान जा रहे हैं, वहां से पंजाबी जा रहे हैं, और आज क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो शहर है, जो नेबरिंग एरियाज है, वो टोटली डोमिनेटेड बाय आउटसाइडर्स। आप देख सकते हैं कि 98 और 2011 के बीच में 22% जनसंख्या बढ़ी गई, और जबकि उसी दौरान में गिलगित बल्तिस्तान की जनसंख्या 63%। और कोई पूछेगा मुझसे 2011 क्यों बोल रहे हैं, 2017 में पाकिस्तान में जनगणना हुई थी, आप उसकी फिगर क्यों नहीं दे रहे? The fact is that the 2017 census figures have not been made public by Pakistan today. शेष पाकिस्तान की उन्होंने सारी फिगर्स दे दी हैं, but ना वीरपुर मुजफ्फराबाद की फिगर्स पब्लिक की गई हैं, ना गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि उनको लग रहा होगा कि इसमें भी कुछ और समस्या खड़ी हो जाएगी। That's why they're keeping it under wraps. तो इसको पब्लिक नहीं किया।